नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने संघर्ष से परिवार को आगे बढ़ाया और पूरे समाज के लिए प्रेरणा बने। उक्त शब्द महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने गांव खांडा खेड़ी में परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की ओर से आयोजित छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में स्वर्गीय मित्रसेन आर्य की पुण्यतिथि पर लोगों को संबोधित करते हुए कहे। इस अवसर पर उन्होंने सैकड़ों प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित भी किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य नेक इंसान थे। उन्होंने समाज में रहकर अनेक ऐसे कार्य किए जो कि आज भी याद किए जा रहे हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य करते हुए प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी गुरुकुल खोलने का काम किया। आज उनमें हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर उनका परिवार भी चलकर अनेक सामाजिक कार्य करने में जुटा हुआ है। राजनीति में कैप्टन अभिमन्यु हमेशा मुझे हौसला देते रहे हैं। उन्हीं के हौसले से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। उन्होंने हल्के में इतने विकास कार्य किए हैं जिनकी पूरे प्रदेश में चर्चा थी। वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि गांव खांडा खेड़ी में स्वर्गीय मित्रसेन आर्य के पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने और उनको प्रेरणा देने के लिए एक छात्रवृत्ति मेरे पूज्य पिताजी मित्रसेन आर्य ने आरंभ की थी। पिछले 20 वर्षों में 10,000 छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल चुका है। आज भी 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से ज़्यादा अंक लेने वाले 500 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मान देने का काम हुआ है। नारनौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। गाँव खांडा खेड़ी में हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पूज्य पिताजी ने अपने जीवन काल में ही क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम प्रारंभ किए। यहाँ पर उन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना की। वहीं पर इस क्षेत्र का पहला सक्रिय एक कॉलेज की प्राइवेट कॉलेज की तौर पर बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिल पाए, लंबे समय तक उस काम को आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ जहां एक तरफ विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, वहीं क्षेत्र के चाहे कोई भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला छात्र छात्रा हों तो प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरणा देने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना उन्होंने प्रारंभ की थी, जो लगभग अब पिछले 20 वर्षों में 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल चुका है। आज भी लगभग 500 से अधिक छात्र छात्राओं को जो प्रतिभावान हैं जिनके 90% से अधिक 10वीं में 12वीं में अंक आए हैं उनको सम्मान देने का काम हुआ है। वहीं पर पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन के संस्मरण, जो उनके साथी, उनके सहयोगी, उनके मित्र जिन्होंने उनके साथ समाज में काम किया, ऐसे अनेकों आर्य विद्वान आज यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने परिवार को और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया और हमारी इस धरा को पवित्र करने का काम किया जी। अब जिनका कोई रोल ही नहीं है, जिनका ना कहीं पर कोई रोल बचा है, किसी न किसी तरह से अपने आप को चर्चा में लाने के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे जी। अगर बात करें नानू दलके की तो नानू थोड़ा समय बचा है, जाने नहीं देंगे, पुराना हिसाब पूरा कर लेंगे और सूद समेत पूरा कर लेंगे। अब थोड़े दिन का ही बाकी है, अब जो हो गया पीछे भूल जाओ, आगे की तरफ देखें। नारनौंद निश्चित तौर पर फिर से विकास के क्षेत्र में छलांगे लगा करके अपनी कमी को पूरा करने का काम करेगा जी। अमित शाह कौन घबरा करके अपने पार्टी को बचाने के लिए और अपने डूबे हुए राजनीतिक नैया को बचाने के लिए वो सड़कों पर निकलने को मजबूर होना पड़ा है। वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को निरंतर लगातार एक प्रकार से शर्मसार करने का काम किया, जिन्होंने देश की राजनीति को प्रदूषित करने का काम किया। वो आज अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशते हुए घूम रहे हैं और हरियाणा से जब से यात्रा होकर के निकली है वह भारत जोड़ने की बात तो बाद में होगी, वो कांग्रेस को तोड़ के निकल गए हैं। कांग्रेस के अंदर जो बैठक अभी पिछले दिनों हुई उसके अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ना तो रणदीप सुरजेवाला जी पहुँचे, ना कुमारी शैलजा पहुँची और ना ही उसके अंदर जो है किरण चौधरी जी पहुँचे। तो आज कांग्रेस हरियाणा में एक गुट, एक गिरोह के रूप में परिवर्तित हो चुकी है।
और कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में पार्टी और विचार के नाम पर कुछ नहीं है। वह एक गिरोह की संस्कृति का शिकार हो चुकी है। वो कांग्रेस जिसमें से आज अशोक तंवर को धक्के मारकर निकाल दिया गया, कुलदीप बिश्नोई जी को बाहर का रास्ता देखने को मजबूर होना पड़ा, रणदीप सुरजेवाला जी को दूसरे राज्य में जा करके और एमपी बन करके आने को मजबूर होना पड़ा, और कई नेताओं को लगभग दरवाजे पर खड़ा करके रखा हुआ है। निरंतर उनको कांग्रेस के अंदर बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। इस यात्रा के अंदर किसी को कोहनी मारी गई, किसी को टंगड़ी लगाई गई, किसी को धक्का मार दिया गया, अनेकों कांग्रेसी गिरते पड़ते नजर आए। तो ये गिरते पड़ते कांग्रेसी आज हरियाणा में इनका कोई स्थिति नहीं है। जी लोकसभा चुनाव हमने तो कभी किसी भी क्षेत्र की कभी टिकट के लिए कभी कुछ नहीं कहा है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो फैसला करती है, हम पार्टी का काम निरंतर करते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना, लड़ाना ना लड़ाना, ये काम पार्टी नेतृत्व का होता है। हम तो सिपाही हैं, अपना काम करते रहेंगे। आज आदरणीय चौधरी पद्मित्र सेन जी की 13वीं पुण्यतिथि है, तो मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करती हूँ। और मैं आज अपने परिवार में आई हूँ, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, तो हमें इस परिवार से गहरा लगाव है काफ़ी समय से। मेरे स्वर्गीय चौधरी नरसिंह डांडा जी का भी कैप्टन साहब से लगाव रहा है काफ़ी, और मैं भी लगातार जब से इस लाइन में आई हूँ तो हमारा बड़ा सहयोग मंत्री जी का हमारे सिर पर रहा है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही, मैं कहूँगी, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो इतने कम पढ़े लिखे और एक छोटी उम्र में उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया और एक ज़मीनी स्तर से उठकर इतने बड़े उद्योगपति वो बने और अपने परिवार को इतने अच्छी तरीके से उन्होंने संस्कारी बनाए, आगे बढ़ाया, उनको सींचा और आज सारा हरियाणा में चौधरी मित्र सेन जी के परिवार का नाम है और बड़े संस्कारी परिवार है। तो मैं इनका सबको मैं कहूँगी भी उनके प्रेरणा स्रोत वो थे, उनके पत्तियों पर चल कर आगे बढ़े। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।